पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प्स और उससे रिलेटेड डाइट के बारे में बताने वाली है। जी हाँ, पीरियड्स एक बहुत ही कॉमन इश्यू है बहुत विमेन में। जो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स जो मैं शेयर करूंगी उसके हिसाब से बहुत सारे कम ऐसी फीमेल्स हैं जो सैनिटरी पैड यूज करती हैं, या बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जिन्हें उनके फर्स्ट पीरियड्स के पहले पता ही नहीं होता कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। उससे लेकर के बहुत सारी और बातें हैं जो पीएमएस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। कई बार मूड स्विंग्स देखे जाते हैं गर्ल्स में एंड वेमेन में जो पीरियड्स में बहुत ही खास होते हैं। इनके लिए किस तरह का डाइट लेना चाहिए, दिस करिश्मा वुड बी टेलिंग मी टेलिंग अस। हाय करिश्मा, वेलकम टू शेयर की बात। थैंक यू। हाय गीता। और करिश्मा, जैसा मैंने बताया, करीब सिर्फ 36% औरतें ऐसी हैं इंडिया में जो कि सैनिटरी पैड यूज करती हैं, जो कि एक बहुत आधे से भी कम है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा, इंडिया में करीब 1 लाख लड़कियों ने ये पाया कि उसमें जो 50,000 लड़कियां थी उन्हें मेंस्ट्रुएशन के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक उन्हें पहली बार पीरियड्स नहीं हुआ। जबकि स्कूल में हम लोग सेक्स एजुकेशन के दौरान सबसे पहले जो फीमेल्स है, जो गर्ल्स है, उन्हें हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में ही बताते हैं। लेकिन इस ड्राइव के होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पहले पीरियड्स के पहले ये नहीं उन्हें पता होता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या चीज है। इंडिया में जनरली जो मेंस्ट्रुएशन है वो 11 से 14 साल की लड़कियों से स्टार्ट होता है। इंडिया एक गर्म देश माना जाता है जहाँ पीरियड्स की शुरुआत काफी पहले हो जाती है। लेकिन पहले के तुलना में जो पीरियड स्टार्ट होने का एज है वो अब धीरे धीरे काफी कम हो जा रहा है। कई बार 7 या 8 साल की भी उम्र की लड़कियों को पीरियड्स की शुरुआत हुई है, जो पहले बहुत ही कम देखा जाता था। ब्लीडिंग के अलावा, जैसे मैंने बोला, मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। फूड क्रेविंग्स इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। तो करिश्मा, खान पान और पीरियड्स का क्या रिलेशन है ये हमें बताएं, ताकि हम अपने खान पान या डाइट में कुछ चेंजेस करके अपने मूड स्विंग्स को, खासकर जो पीएमएस और जो क्रैम्स होते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत ही ऐसी कंडीशन होती है। कई बार फीमेल्स को छुट्टी लेनी पड़ती है, घर पे रहना पड़ता है, वर्क प्लेस को जा नहीं सकती। कई बार जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें भी अपना स्कूल मिस करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि वो बिना किसी परेशानी के स्कूल और अपना वर्क प्लेस अटेंड कर सके। फर्स्टली तो थैंक यू फॉर यू नो मेंशनिंग ऑल द फैक्ट्स, जैसे आपने मेंशन किया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो ऑल दीज थिंग्स. क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इसके लिए थोड़े चेंजेस लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपने जिस तरीके से बताया कि हमारे जो स्टैट्स है और हमें बता रहे हैं कि इतनी सारी परसेंटेज है महिलाओं की जिनको बेसिक चीजें जैसे सैनिटरी पैड होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ले नहीं सकते, उनको उसकी सहायता नहीं मिलती. तो सबसे पहली बात तो आगे जाके ये मैंडेटरी होना चाहिए, थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू एवरीबॉडी दैट इज नाउ इन अ बेटर पोजिशन देन अदर्स. इट शुड बी अ कॉज दैट वी कैन प्रोवाइड दैट मच एटलीस्ट बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स टू वुमेन ऑल ओवर द कंट्री. इट कुड बी अर्बन, इट कुड बी रूरल, बट एवरी वुमन हैज अ राइट टू दिस. इट कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डिजीजेस, इट कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर विच बहुत सारी महिलाएं जो गाँव में रहती है उनको बहुत सारी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है. इसी के ऊपर जो दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए वो ये है कि जब बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, खुल के बात करना पीरियड्स के बारे में बहुत नेचुरल है. तो अगर आप एक रूम में बैठे हैं जहां पे बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स सब साथ में हैं, आप प्लीज पीरियड्स के बारे में ओपनली बात कीजिए. इसके बारे में शर्म रखने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर दैट हैपेंस टू एवरी वुमन इन हर लाइफ एवरी सिंगल मंथ. एंड ये एक ही नेचुरल पोजिशन है, ये एक ही नेचुरल फिनोमिनन है जिसकी वजह से लड़कियों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलता है, जिससे बेबीज होते हैं. सो इफ इट इज इफ प्रेगनेंसी, इफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, if you know all these things are discussed so openly, then I think periods and PMS is also something that needs to be discussed very very openly, right? तो अब वो जमाना नहीं रहा जहां हम केमिस्ट में जाएंगे, शर्मा के पैड मांगेंगे, वो 10 लेयर डाल के हमको प्लास्टिक की थैली में दे देगा. नो प्लीज, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द वुमेन एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द मेन ऑल्सो, देर इज नथिंग शेमफुल अबाउट इट, देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. प्लीज बी ओपन अबाउट इट, टॉक अबाउट इट ओपनली, एंड द मोर वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ओपनली द मोर देर कैन बी सोल्यूशन ऑफ इट, राइट? हर महीने जब एक महिला को पीरियड्स आने वाले होते हैं, उसके पहले का 4 से 5 दिनों का जो सफर होता है ना, वो सब महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा ट्रैजिक होता है.
हम ओपनली इसके बारे में बात नहीं करती क्योंकि शायद 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 लड़कियों को शर्म आती है इसके बारे में बात करने से. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस हैपन्स टू मी एवरी मंथ, दिस हैपन्स टू माई मदर एवरी मंथ, दिस हैपन्स टू माई फ्रेंड्स एवरी मंथ. PMS इज अ रियल इशू. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि क्योंकि जो लड़की की बॉडी है वो हॉर्मोन्स की बनी हुई है, एवरीथिंग इज हॉर्मोनल इन अ गर्ल्स बॉडी, राइट. तो क्योंकि ये ऐसा चल रहा है, पीरियड्स जब आने वाले होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोनल शिफ्ट होते हैं बॉडी में. जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडी की बॉडी में शिफ्ट होंगे, सेम टाइप के शिफ्ट एवरी मंथ एक लड़की के बॉडी में होते हैं 4 से 5 दिन पीरियड्स के पहले. ओके और तब क्या होता है, क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही है तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स बहुत ज्यादा टेम्परमेंटल हो जाती हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ पेन इन देयर बॉडी. यू नो, बहुत सारी लड़कियों को बॉडी एक्स होते हैं, बहुत सारी लड़कियों को हेड एक्स होते हैं, इतने खराब हेड एक्स होते हैं. मेरे पास क्लाइंट्स है जो प्रूफ है, इतने खराब खराब हेड एक्स होते हैं कि दे कांट मूव, दे कैनॉट गेट अप फॉर 1-1, 2-2 आवर्स फ्रॉम देयर बेड. दे नीड टू रेस्ट फॉर दैट मच टाइम. एंड देर इज नो शेम इन दिस, देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग दैट इज हैपनिंग टू एवरी वुमन. सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा कॉमन एक फिनोमिनन है. हम जितना उससे यू नो वाचित हो जाए उतना ही बेटर रहेगा सबके लिए. लड़कियों को स्पेस ये जो 3 से 4 दिन जो होते हैं पीरियड्स के पहले, और जब उसको पीरियड्स होता है ऑलमोस्ट 1 वीक, ये जो 7 दिन है बहुत क्रूशल होते हैं लड़कियों के लिए. तो प्लीज बी काइंड टू विमेन एट दैट टाइम. यू नो इफ यू आर मेन, डू नॉट ट्राई टू यू नो बी हिपोक्रिट्स एंड मेक फन ऑफ इट. यू नो लड़के क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी बार देखा है कि अरे अरे अभी इसका मूड खराब है क्योंकि इसको पीरियड्स होने वाले हैं शायद. आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग डायलॉग टू हैव, वेरी वेरी रॉन्ग डायलॉग टू हैव. यू डू नॉट नो द काइंड ऑफ इमोशनल फिजिकल हॉर्मोनल पेन दैट शी इज गोइंग थ्रू एंड यू हैव नो राइट टू बी मेकिंग फन ऑफ समथिंग लाइक दिस. सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डायट इज दैट वी नीड टू क्रिएट सेंसिटिविटी अबाउट दिस इशू. ये इस इश्यू का सेंसिटिविटी सब में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सैनिटरी पैड जरूरी है हर लड़की के लिए, सेम तरीके से उसको स्पेस देना, उसको समझना, उसके इमोशंस को थोड़ा सपोर्ट करना, ये वक्त पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शी डज नॉट नो व्हाट शी इज डूइंग एट दैट टाइम. इमेजिन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन सम काइंड ऑफ पेन, आपकी कॉन्स्टेंटली कमर दुख रही है, आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, यू नो यू आर फीलिंग नॉजियाटिक, हाउ आर यू गोइंग टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ स्टडीज, एनी काइंड ऑफ एनीथिंग, राइट. सो एवरीबॉडी नीड्स टू बी सेंसिटिव अबाउट द फैक्ट दैट वेन अ गर्ल इज गोइंग थ्रू हर पीरियड्स और वेन शी हैज PMS, यू हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स हर नीड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, यू हैव टू सपोर्ट हर एंड नॉट मेक फन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ऑलराइट. The second thing that is very, very important is के हम हमेशा बोलते हैं कि आजकल जो फेमिनिस्ट बातें होती है, राइट, कि लड़कियां तो अभी बहुत स्ट्रांग है, लड़कियां बहुत स्ट्रांग है. हाँ, हम स्ट्रांग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम दर्द में है तो हम और दर्द ले लेंगे ऊपर से. दैट इज नॉट राइट. सो इफ आई एम अ स्ट्रांग वुमन, येस आई एम स्ट्रांग इन लॉट ऑफ एरियाज ऑफ माई लाइफ, बट इफ आई एम हैविंग अ फिजिकल प्रॉब्लम, प्लीज बेयर विद इट फॉर सम टाइम. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. ओके. सेकेंड थिंग आफ्टर दैट, फूड. फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे हॉर्मोनल इश्यूज होने लगते हैं हमारे बॉडी में, राइट. अभी जब हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, गर्ल्स की बॉडी में 3 हॉर्मोन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एक जो मेल हॉर्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन. ये तीनों लेवल्स ना फ्लक्चुएट होने लगते हैं. ओनली वेन दिस विल फ्लक्चुएट इज वेन अ गर्ल विल गेट हर पीरियड्स. ओके. इसके पहले क्या होता है, क्रेविंग्स होने लगती है. बहुत सारी महिला को अलग टाइप की क्रेविंग्स होने लगती है. देर इज वन रीजन फॉर इट इज बिकॉज देर माइट बी सम डेफिशिएंसीज इन द बॉडी. तो अगर आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है यूजुअली, तो आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का क्रेविंग होगा पीरियड्स के टाइम पे. बहुत ज्यादा मीठा खाने का क्रेविंग होगा. आप 1-2 चॉकलेट के पीस में खुश नहीं रहेंगे. आपको एक बड़ा सा चॉकलेट केक खाने का मन करेगा, आपको एक टब आइसक्रीम का खाने का मन करेगा. दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट योर बॉडी इज डेफिसिट इन B12. Second scenario is that a lot of girls have cravings of eating lots of junk food. French fries खाने का मन करता है, तली हुई चीजें खाने का मन करता है, chips, salty चीजें खाने का मन करता है. When this is happening, it's a clear sign that your body is dehydrated. जब एक लड़की की body dehydrate हो जाती है, automatically उसको electrolytes चाहिए होते हैं. Electrolytes कहाँ से मिलेंगे? Salty खाने से मिलेंगे, fatty खाने से मिलेंगे. So this is, we have to understand that a girl needs to take care of her diet,
of her sleep and of her activities when she has her periods, and that 1 week before her periods. Try kare ke zyada hectic cheeze wo week mein na kare. I think planning is fantastic for women in this case. Ke काम को इस तरीके से प्लान करें कि अगर उनको पता है कि ये हमारा टाइम स्लॉट है जिसमें हमें पेन हो सकता है, जिसमें हमारा मूड काबू में नहीं रहेगा, और वो टाइम पीरियड में पहले से ही वो प्लान करके रखे कि हम ये टाइम में कुछ हेक्टिक काम नहीं लेंगे. हमारा ऑफिस का काम होगा तो हम पहले से खत्म कर लेंगे, बहुत कम रखेंगे करने के लिए. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर होंगी तो हम समझाएंगे लोगों को कि ये टाइम पे मेरे से इतना ही हो सकेगा, मैं इतना ही करूंगी क्योंकि मुझे आराम की जरूरत है. Right? So being vocal, women have to start becoming vocal about their issues. If you start becoming vocal, people understand only then. Right? So you have to be able to not do too much work. Exercise bahut zyada na kare. Yoga is fantastic. Blood flow ke liye, oxidization ke liye, blood circulation ke liye yoga is fantastic. So agar aapko PMS ke time pe bhi yoga karna hai, aap kar sakte hai. Periods ke dauran bhi agar aapko yoga karna hai, aap kar sakte hai. But heavy exercises ना करें और थक जाएंगे आप, and then you'll feel all the more tired. So no heavy exercises during this. Food, with food you have to understand that बहुत जरूरी होता है कि हम अच्छा खाना खाएंगे. क्या खाएंगे? तो सबसे पहली बात, गर्म खाना खाइए, ठंडा खाना मत खाइएगा. Eat hot meals, right? For example, हमने गरम इडली डोसा खाया, हमने गरम दाल चावल बना के खाया, हमने गरम ओट मील का पॉरेज बना के खाया, हमने एक वेजिटेबल स्टर फ्राई फ्राइड राइस के साथ हमने गरम खाया, right? So these are all hot things. एक one bowl of nice hot piping poha. So these are all nice, hot, homemade things which we can eat during our periods. Our body needs love, care and warmth during these times. So we have to make sure ke hum salads or smoothies or sab ye time pe na khaye aur acha ghar ka bana hua thoda garam khana khaye. Second thing, banana. Please eat a banana every day. Sweta, there is one thing that, you know, when we are going to be having our periods, there is a higher need of magnesium in our body. For all the girls, there are two nutrients which we need a lot during our periods. One is magnesium and the second one is calcium. ये दो साथ में काम करते हैं और ये दो बहुत जरूरी होते हैं अगर हमको पेन नहीं चाहिए, जॉइंट एक अगर हमें नहीं चाहिए, बॉडी का पेन इतना नहीं चाहिए हमें, अगर हमें मूड काबू में थोड़ा रखना है, अगर हमको शुगर क्रेविंग्स भी नॉर्मल रखनी है, तो अगर ये सब हमें चाहिए होता है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बॉडी में अच्छी होनी चाहिए. अगर होंगे बिकॉज वो घर में अवेलेबल होंगे ऐसे फूड जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम अवेलेबल हो. Yes, so there are few food items which are very easily available for you with magnesium. Palak mein bahut zyada magnesium hota hai. All green leafy vegetables, aap broccoli khaye, palak khaye, seasonal green vegetables aate hain, jaise amaranth leaves bhi aate hain, hamari jo cauliflower hoti hai, hamara cabbage hota hai, ye sab green vegetables mein hame bahut zyada magnesium milta hai. Second thing, fruits. Lots of nice fruits have magnesium in it. जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ अभी. Number one, banana. Every girl should eat one banana every day. मेरा तो rule है कि सब लड़कियों को एक banana तो दिन में खाना ही चाहिए. To keep their hormones in balance. So चीकू, banana, हमारे जैसे हम seasonal fruits में अगर हम बोलेंगे तो अब लीची available है, mango available है. Right? So every seasonal fruit that comes in has good amounts of micronutrients like magnesium. So please eat fruits. Please eat a banana every day. The third thing is nuts. Nuts बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. सारे nuts बहुत rich होते हैं magnesium में. तो जैसे कि almonds हो गए, walnuts हो गए, पिस्ता हो गया, cashew nut. Please eat cashew nuts. Girls के लिए बहुत अच्छा होता है cashew nut. तो ये सारे nuts हो गए हमारे जिसमें magnesium बहुत अच्छी quantity में होता है. इसके बाद हम आएंगे एक ऐसी चीज के ऊपर जो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है, एंड दैट इज तिल. सेसमी सीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स. हमें लगता है कि हम दूध पिएंगे हमें उससे कैल्शियम मिलेगा, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, हमें फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, हमें सेसमी सीड्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हमें बॉडी में कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा.
तो ये तो मैंने आपको बहुत यू नो एक एक छोटा सा सैंपल दिया कि हम इतनी चीजें आपके कबर्ड में आपके घर में इजिली अवेलेबल होंगी अभी जो आपको मिल सकेंगी एंड यू कैन इजिली गेट योर मैग्नीशियम फ्रॉम देयर. डार्क चॉकलेट तेल के कुछ प्रिपरेशंस बता सकते हैं क्योंकि तेल जनरली सबके घर में अवेलेबल होता है बट उसके जो प्रिपरेशंस होते हैं वो आई डोंट थिंक सो इतने कॉमनली यूज होते हैं. यस सो प्रिपरेशंस फॉर व्हाट आर यू सेइंग? तेल सेसमी सीड्स. Sesame seeds. Okay. So, here's a tip that I'm going to tell you. Okay. For girls. Jab aapke periods hote hain. Okay. Usually, hume sabko timing hota hai. We know our timings ke kab kya hone wala hai. So, 1 week. Exactly 1 week before your periods. Aapko kya karna chahiye? Aapko roz ek chamach. Pehle to til ko sek le. Halke se roast kar le aap. Theek hai? To ye aapne soak kar liya. Sorry. Aapne roast kar liya. Uske baad aap kya karenge? Ye til ka powder banayenge. Okay. तिल का पाउडर बना के आप फ्रिज में रखेंगे और रोज एवरी डे व्हाट यू विल डू इज यू विल हैव 2 स्पून ऑफ दिस तिल का पाउडर इन व्हाट एवर यू लाइक. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर आपको आदत है कि आप एक दिन में सपोज कोई टाइप की स्मूदी पीते हैं, ओके, तो आप स्मूदी में 2 स्पून तिल का पाउडर डालेंगे. अगर आपको आदत है एक दिन में कि आपको शायद यू नो आप ग्रीन चटनी खाते हैं, राइट, तो आप ग्रीन चटनी में ये 2 स्पून मिला के आप वो ग्रीन चटनी खाएंगे, कुछ भी चिला हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गई, वो चटनी में आप ये पाउडर डाल सकते हैं. देन आफ्टर दैट द थर्ड ऑप्शन इज दैट यू कैन स्प्रिंकल यू कैन द सेम पाउडर. अगर आप यूजुअली कोई शेक पीते हैं, राइट, अगर आप कोई भी मिल्क शेक पीते हैं एक दिन में, सो यू कैन पुट दिस पाउडर इन द मिल्क शेक. प्रोटीन शेक्स बहुत सारे लोग पीते हैं, प्रोटीन शेक में ये पाउडर डाल दीजिए, राइट. एंड द अदर मोस्ट इजिएस्ट वे इज कि अगर आप फॉर एग्जांपल बेसिक चीजें खाते हैं, जैसे आप अगर दाल चावल भी खाते हैं, राइट, तो आप दाल में भी ये पाउडर डाल सकते हैं या रियल तिल को आप तड़के में डाल दीजिए एंड इट्स गुड फॉर यू, फैंटास्टिक फॉर यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम यूजुअली मस्टर्ड डालते हैं खाली, बट हू सेड दैट यू कांट पुट सेसमी सीड्स? यू कैन डेफिनेटली पुट सेसमी सीड्स ऑल्सो. So I think करिश्मा ने बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए sesame seeds को यूज करने के लिए क्योंकि बहुत लोगों के पास होता है लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि इसको कैसे यूज करना. बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर मेरी मम्मी उसका एक बनाती थी समथिंग लाइक पीसी एंड तिल का तिलौरी. ये पता नहीं इधर के लोग ये समझते हैं कि नहीं, उसमें शी यूज टू मिक्स सम लेंटिल्स कोई दाल और उसके बाद पीस के उसके बाद उसे धूप में सूखने दिया जाता था एंड देन इट यूज टू बी लाइक स्मॉल स्मॉल एंड उसके बाद आप उसे फ्राई करके या सीधा रोस्ट करके आप अपने दाल चावल या किसी भी खाने के साथ ऐड कर सकते हैं. दैट इज व्हाट माय वर्जन ऑफ sesame seeds वाज. सो आई थिंक बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सालों से हमारी दादी नानी और हमारी मम्मी यूज कर रही होती है एंड आई थिंक नाउ वी आर डिस्कवरिंग के लिए तो इतनी कमाल की चीज है. सो आई थिंक वी शुड बी स्टिकिंग टू व्हाट आवर ओल्ड एज कुकिंग वाज बिकॉज इट वाज एक्चुअली कंसिडरिंग ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज. Yes, true, absolutely, I agree. ये जो तड़के की जो मैंने बात की है, हम लोग में क्या बनाते हैं, हम ना तिल का पाक भी बनाते हैं. तो जैसे हम जैसे एक स्वीट डिश होता है तो सर्दियों में, मैं गुजराती हूँ तो गुजरातियों में हम जैसे हर चीज का पाक बनता है, राइट, उसको बर्फी बोलते हैं बेसिकली. तो हमारे में हम तिल की बर्फी बनाते हैं, तिल की चिक्की बनाते हैं और हम लोग बहुत सारा ये खाते हैं during the winters, during you know sankranti, all these times is when we consume til like this because it's mandatory to consume it at that time. Yes. So ये बहुत सारी चीजें हो गई जो करिश्मा आपने बताई. केला जो आपने बोला एक बनाना एक रोज खाना चाहिए, I think yes. without periods या in periods it is actually very good in nutrition values. तो ये तो आपको खाना ही चाहिए. कुछ ऐसे चॉकलेट्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल करिश्मा जो लोग पीएमएस के में खाते हैं और ये सोचते हैं कि वो उन्हें बहुत बेनिफिट करने वाला है, ये कितना सच है? मैं आपको यही बता रही थी एक्चुअली कि डार्क चॉकलेट जो होती है लाइक द कोको कंपाउंड, एग्जैक्टली द कोको कंपाउंड हैज अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम इन इट. तो अगर हम ऐसी कोई भी चॉकलेट खाएंगे जिसमें कोको कंटेंट ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 75%+ ऑफ कोको, 80% ऑफ कोको, वैसी अगर कोई डार्क चॉकलेट हमने खाई तो उसमें मैग्नीशियम हमें मिलता है क्योंकि उसका कोको कंटेंट हायर होता है. पर अगर हमने हमारी जो रेगुलर चॉकलेट्स होती है जो ज्यादा जिसमें ज्यादा दूध का पाउडर वगैरह सब होता है उसमें मैग्नीशियम नहीं होता. सो इफ यू डू वांट टू कंज्यूम चॉकलेट फॉर मैग्नीशियम प्लीज मेक श्योर कि आप डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं. 70-80% तक की डार्क चॉकलेट अच्छी टेस्ट भी करती है और उसमें आपको कंटेंट आपका मैग्नीशियम का भी मिल जाएगा. सो दिस इज अ गुड वे ऑफ हैविंग चॉकलेट इफ यू वांट टू. ओके
हमने काफी बातें डिस्कस की करिश्मा, लेकिन जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, आपने भी सुना होगा बहुत सारे सैनिटरी पैड्स को लेकर के भी ये डिस्कशंस होते हैं कि ये बाद में कैंसरस हो सकते हैं, अभी इको फ्रेंडली पैड्स आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है क्योंकि कुछ लोग सोसाइटी में है जो बिल्कुल ही हाई वैल्यूड पैड्स यूज कर रहे होते हैं, जो बोले जा रहे होते हैं कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, एंड इट कॉस्ट रियली थिंग रेयर एज जो फीमेल वुमेन है जो हमारे रूरल एरियाज में है, उन्हें एक बेसिक पैड भी अवेलेबल नहीं हो रहा होता है. तो वी विश की ये जो डिस्पैरिटी है वो ना यस हो, और लोगों के बीच जिस तरह से प्रेगनेंसी एंड बाकी चीजें आपने जैसे बोला डिस्कस की जा रही होती है, पीरियड्स को आप भी वैसे ही डिस्कस करें, और उससे सैनिटरी पैड को तो बिल्कुल ही एक कमोडिटी बनाए जो बिल्कुल ही एसेंशियल कमोडिटी होनी चाहिए. इनफैक्ट इस पर टैक्सेस और ये बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सके. आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल वुमेन है और इवन अर्बन वुमेन है जो सैनिटरी पैड्स यूज नहीं करती और उन्हें उसका कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं लगता. ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लोग इन्फॉर्म नहीं है, बहुत इन्फॉर्म्ड है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है. जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चियों को यही नहीं पता होता कि पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड्स के पहले ये पीरियड्स होता क्या है. आई थिंक यस ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो शायद सेक्स एजुकेशन नहीं कर रहे होते, या कर भी रहे होते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे कर रहे होते हैं. सो यस गर्ल्स मस्ट बी नोइंग. इनफैक्ट ये जो शुरुआत है स्कूल से ज्यादा इनफैक्ट माँ बाप की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताएं, लड़कियों को खासकर पूरा एजुकेट करें. Because they must be knowing about their body, we should not be always blaming the system. Rather than we should be knowing what we are supposed to do, जो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है. Time काफी इस तरह से भी change हो रहा है करिश्मा, बहुत सारे workplaces में जो men colleagues होते हैं, women colleagues को PMS में help करते हैं, उन्हें उनके mood tantrums को समझते हुए compassionately काम करते हैं, उनके लिए chocolates मिलाते हैं और उन्हें उनको समझते हैं इस दौरान, जो कि बहुत जरूरी है. इसे यस आप ओपनली नहीं बोलेंगे तो जनरली ये एक प्रॉब्लम या एक टैबू के जैसा देखा जाएगा. ये बिल्कुल ही सही नहीं है. पीरियड्स एक बहुत कॉमन फेनोमेना है. जिस तरह से आप प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे हैं, अगर विमेन आगे जाके प्रेगनेंट होंगी तो उसका बेस मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होगा, लेकिन आज के दिन में भी हमारे देश में पीरियड्स को इतने ओपनली ना डिस्कस किया जा रहा है ना बातें की जा रही है. बट हम ये यस शुरुआत इसलिए आज कर रहे हैं कि आपको पीरियड्स से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, खासकर आप ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा स्पेसिफिक डाइट इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं खानी चाहिए, तो काइंडली आप हमें मैसेज करें, team@medicircle.in पे लिखें, या हमारे इंस्टा हैंडल medicircle_voiceofhealthcare पे हमें कनेक्ट करें. हम करिश्मा से आपको कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट कि शी में हेल्प यू किस तरह से आप अपने पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम को बिना शर्माए ओपनली डिस्कस कर सके, सो दैट यू नो व्हाट द सॉल्यूशंस आर. सो ओवर टू यू करिश्मा. Thank you. I think everything that you have said makes so much sense. Every single thing that we discussed today is so important. Aapne jaise bataya ke, you know, educating the parents, educating you know the opposite sex also is so important. Kyunki agar hum openly baat karenge, hum educate karenge, tabhi jaake apni problems bhi solve hogi, right? So I think this is also another mission of mine, that every single thing that I do, this is the reason why we are also doing the show, to educate people, to spread awareness, to talk about the real things, right? Yes. So I think we're on the right path, and by God's grace, moving forward in few years, I hope that you and me both can make some difference in this field at least. Surely, surely. So thank you so much, Karishma, for joining us today for Sehat Ki Baat Karishma ke saath in the Spirit special episode, which was dedicated to all women, all girls who are watching this episode. Thank you so much for watching, and we will try to bring in such topics which really impress you, which are from your day-to-day health regime and which may help you stay healthy. Thank you so much for watching. Very soon. Thanks, Karishma. Thank you.